मैं हूं सचिन मिश्रा और आप सुन रहे हैं बंसल न्यूज का पॉडकास्ट, जिसका नाम हमने दिया है हर कहानी कुछ कहती है। आज हम लेकर आए हैं हरिशंकर परसाई का एक व्यंग, जिसका नाम है मैं नर्क से बोल रहा हूं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को हुआ था। वे आधुनिक साहित्य के विख्याता व्यंगकार माने गए हैं और अपनी सरल और सीधी शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने व्यंग लिखे जिनमें मानवीय मूल्यों और प्रकृति का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं मैं नर्क से बोल रहा हूँ। हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूँ। जीवित अवस्था में तुम जिसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हो। जिंदगी भर तुम जिससे नफरत करते हो, उसकी कब्र पर चिराग जलाने जाते हो। मरते वक्त तक जिसे तुमने चुल्लू भर पानी नहीं दिया, उसकी हाड़ गंगा जी में ले जाते हो। अरे, तुम जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हो, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं, मैं नरक से बोल रहा हूं। मगर मुझे क्या पड़ी थी कि जिंदगी भर बेजुबान रहकर यहां नरक के कोने से बोलता। पर यहां एक बात ऐसी सुनी कि मुझ अभागे की मौत को लेकर तुम्हारे यहां बड़े बड़े लोगों की चकचक हो गई। मैंने सुना कि तुम्हारे यहां के मंत्री ने संसद में कहा कि मेरी मौत भूख से नहीं, मैंने आत्महत्या कर ली थी। अरे, मारा जाऊं खुद और मौत का जिम्मेदार भी ना ठहराया जाऊं। भूख से मरूं और भूख को मेरे मरने का श्रेय भी ना मिले। अन्न अन्न की पुकार करता हुआ मर जाऊं और मेरे मरने के कारण में भी अन्न का नाम ना आए। लेकिन खैर, ये सब तो मैं बर्दाश्त भी कर लेता। जिंदगी भर तिरस्कार का स्वाद लेते लेते सहानुभूति मुझे उसी प्रकार अरुचिकर हो गई जिस प्रकार शहर में रहने वाले को देहात का शुद्ध घी। लेकिन आज एक घटना यहां इस लोक में घटी। हुआ ये कि स्वर्ग और नरक को जो दीवार अलग करती है, उसकी सेंध में से आज सवेरे मेरे कुत्ते ने मुझे देखा और कुरकुर कर प्यार जताने लगा। मेरे आश्चर्य का क्षोभ का ठिकाना ना रहा कि मैं यहां नरक में और मेरा कुत्ता उस स्वर्ग में। ये कुत्ता बड़ा प्यारा कुत्ता था, युधिष्ठिर के कुत्ते से भी अधिक। जब से मेरी स्त्री एक धनी के साथ भाग गई थी, तभी से यह कुत्ता मेरे संगी रहा। ऐसा कि मरा भी तो साथ ही, कभी मुझे छोड़ा नहीं इसने। अरे, बगल का सेठ तो इसे पालना चाहता था, सेठानी तो इससे बेहद प्यार करती थी, और ये मुझे छोड़कर गया नहीं। सो मुझे सुखी हुआ कि वो स्वर्ग का आनंद ले रहा है। पर मेरे अपने लिए किए गए अन्याय को मैं भुला नहीं सकता था। अरे भाई, ये तुम्हारा मृत्यु लोक तो है नहीं, जहां फरियादी की सुनी नहीं जाती, जहां फरियादी को ही दंड दिया जाता है, जहां लाल फीते के कारण आग लगने के साल भर बाद बुझाने का ऑर्डर दिया जाता है, यहां तो फरियाद सुनी जाती है। सो मैं भगवान के पास पहुंचा और प्रार्थना की, हे भगवान, पृथ्वी पर अन्याय भोग कर इस आशा से यहां आया था कि यहां न्याय मिलेगा, पर ये क्या, मेरा कुत्ता स्वर्ग में और मैं नरक में। जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया, भूख से मर गया लेकिन चोरी नहीं की, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, और ये कुत्ता जैसा कुत्ता होता है वैसा ही तो है। कई बार आपका भूख खाते पिटा है ये, और इसे आपने स्वर्ग में रख लिया। और भगवान ने एक बड़ी सी बही देखकर कहा, इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की। मैंने कहा, नहीं महाराज, मैं तो भूख से मरा हूं, मैंने आत्महत्या नहीं की। पर वे बोले, नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे देश के अन्न मंत्री ने बताया है कि तुमने आत्महत्या की है, तुम्हारे शरीर के पोस्टमार्टम में यह बात सिद्ध भी हुई है। और भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे। जब मैंने कहा कि महाराज, ये रिपोर्ट झूठ है, मेरा तो पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ, मैं तो जला दिया गया, इसके 10 दिन बाद संसद में प्रश्नोत्तर हुए, तो क्या मेरी राख का पोस्टमार्टम हुआ।
और तभी मैंने उन्हें पूरा हाल सुनाया। लो तुम भी सुन लो, तुम नहीं जानते मैं कहाँ जिया, कहाँ रहा, कहाँ मरा। दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब नहीं रखता, और तुम क्या जानो कि जब मेरी सांसें चलती थी तब मैं जिंदा था। मैं इस अर्थ में जीवित था कि मैं रोज अपनी मृत्यु को टालता जाता था। वास्तव में मैं तो जन्म के पश्चात एक ही क्षण जीवित रहा और दूसरे क्षण ही मेरी मृत्यु शुरू हो गई। तो बाजार की उस अट्टालिका को तो जानते हो, उसके पीछे एक और पाखाना साफ करने का दरवाजा है और दूसरी ओर की दीवार के सहारे मेरी छपरी। अट्टालिका के मालिक मेरी छपरी को तोड़कर वहां भी अपना पाखाना बनाना चाहता था। अगर मैं मर ना जाता तो गरीब आदमी की झोंपड़ी पर अमीर के पाखाने की बजाय मैं अपनी इन आंखों से देखता। बस यही झोंपड़ी में रहा, मेरे आसपास अन्न ही अन्न था। दीवारों के उस पार से जो चूहे आते थे वो दिन पर दिन मोटे होते जाते। अरे दो रोज तक तुम इसलिए नहीं आए कि निकलने का थोड़ा मार्ग बनाते रहे। पर मैं फिर भी भूखा रहा, बेकार था। अनाज 10 रुपए सेर था, इससे तो सस्ती मेरे लिए मौत थी। जिस दिन आई उस दिन अट्टालिका के पास वाले रईस के घर पे शादी थी। बड़ा अमीर था, सारा गांव जानता था कि उसके पास हजारों बोरे अनाज के हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता था। पुलिस उसकी रक्षा करती थी। और उस दिन मौत ने काला पंजा कसना शुरू कर दिया। पेट में मरोड़ आई, आंखें धुंधली पड़ने लगी, दीवार के उस पार पकवानों की सुगंध आ रही थी। संतोष सिर्फ इस बात का था कि पकवान की आसपास ही मेरी मृत्यु हुई थी। जब मैं मर रहा था तो मेरा कुत्ता दीवार के उस पार गया और वहां जाके पकवान खाया। वहां के मालिक ने खींचकर एक डंडा मारा और मेरा कुत्ता करहाते हुए मेरे पास आया। चीखता रहा चीखता रहा, मेरे भी प्राण निकल रहे थे, लेकिन इस जानवर के सामने मुझे चिल्लाने में लज्जा आ रही थी। पेट में आखिरी मरोड़ आई और पंछी ने पिंजरा तोड़ा, मेरे कुत्ते ने भी साथ ही दम तोड़ा। डंडे की मार बड़ी मर्म थी। अब हम दोनों मर गए थे, साथ ही मरे, पर फर्क सिर्फ इतना था कि ये खाके मरा और मैं बिना खाए। अट्टालिका के उस पार बारात जा रही थी और इधर चंडालों ने मेरी लाश को टीन के डब्बे में पटक कर घसीटा। सड़क के उस पार बारात जा रही थी और सड़क के इस पार मेरी सरकारी अर्थी। सरकार ने भोजन का प्रबंध नहीं किया था, लेकिन मरने वालों की लाश को जलाने के इंतजाम बड़े पुख्ता थे। वहां बारात के पीछे मंगल गान हो रहा था और मेरी लाश के पीछे रोने वाला भी ना था। इतनी आसानी से मरा कि किसी को कष्ट नहीं हुआ था, मेरे कुत्ते को भी नहीं। वहां बारात रुकी, गोले छूट रहे थे, और मरने के बाद मुझे यहां नरक में भेज दिया गया तो मुझे ज्यादा दुख ना था, क्योंकि ये जगह उस जगह से अलग ना थी जहां मैं जिंदगी भर रह चुका था। तो ये पूरी बात मैंने भगवान को सुनाई और भगवान ने देखा और कहा, तुम भूख से मरे हो फिर भी तुम्हें नरक मिलेगा और तुम्हारे कुत्ते को स्वर्ग मिलेगा और तुम्हारे पास वाला कमरा उस झूठे मंत्री के लिए। भगवान ने कहा, मूर्ख तू कुत्ते से भी नीच है, तेरा कुत्ता दीवार के उस पार चला गया और भोजन करके आ गया और तू मनुष्य कहलाने वाला कायर हाय हाय करके मर गया। तू दीवार नहीं फांद सकता था, तू दीवार नहीं तोड़ सकता था। मैंने कहा, भगवान मैं कैसे दीवार तोड़ता, ये पाप ना होता। भगवान क्रोधित हो गए और बोले, पाप पुण्य के झमेले में पड़ने वाले कायर, वो दीवार क्या मैंने बनाई, ये तमाम दीवारें मनुष्यों की बनाई हुई हैं, और तू इन दीवारों को तोड़ने में पाप पुण्य देखता है। अरे तुझसे तो समझदार तेरा कुत्ता है, जिसने अपने दम पर भोजन तो किया और मर गया और यहां आया। तू बुझ दिल, कीड़ा जैसे मर गया,
मैंने तुझे बुद्धि दी, हाथ पैर दिए, कार्य शक्ति दी, तूने कुछ नहीं किया। मनुष्यों ने मुझे बहुत पीड़ा दी है, अब मैंने सोचा है अब मैं कुत्तों ही कुत्तों का निर्माण करूंगा। तुम जैसे कायरों को नरक नहीं तो क्या इंद्रासन मिलेगा? और मैं नरक में फेंक दिया गया। मैं इस नरक से तुमसे कहना चाहता हूं, मेरे देशवासियों, मेरी मौत न मरना, मेरे कुत्ते की मौत मरना। ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर ये बैंग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें।